मैं वापस आ गया एक और नई मूवी सिनेमा सिमुलेटर गेम प्ले वीडियो के साथ। तो जिन जिन को स्टोरी के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं बता देता हूँ। हमारा एक मूवी सिनेमा थिएटर इस शहर में बन जाता है, जो हमारे दादाजी का होता है। हमारी सिस्टर जिसका नाम लीफ है, वो हमें इसका कारोबार संभालने को देती है। लेकिन हमारे ग्रैंडपा के जो दूसरे पार्टनर, पुराने पार्टनर होते हैं, उनको ये देखा नहीं जाता कि हम अपना एक बिल्डर, हम अपना एक सिनेमा बिल्ड कर रहे हैं। तो हमें रोकने के लिए बचकानी हरकतें करते हैं, जिनमें से एक हरकत उसने अभी की है, और वो है हमारी बहन को किडनैप कर लिया। मतलब हमारी बहन उनकी जासूसी करने गई थी, पकड़ी गई। क्या भाई, बोला था मत कर जासूसी, मत कर, नहीं होगी तेरे से। वो तो जैसे तैसे बच के आ गया था, उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई थी। लेकिन अब वो अपनी जान खतरे में डाल के हमारी मदद कर रहा है। भाई बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा। भाई शुरुआत में भी इसने हमारी जान बचाई थी गुंडों से। आजा भाई, कैसा है? बस मैंने मिलीप की लोकेशन ढूंढ ली। उस रोटी ने उसे अपने ही सिनेमा थिएटर में बंद करके रखा है। चलो हमें उसे जाके बचाना होगा। मैं तो भैया फुल तैयारी के साथ आयो, डंडा लेके। आजा भाई चलते अंदर। बॉस, रोटी का सिनेमा यही है। मेरी जानकारी के मुताबिक यही है रोटी का सिनेमा। हमें कुछ भी करके अंदर जाना होगा और लिप को जल्दी से बचाना होगा, इससे पहले कुछ हो जाए। रोटी का सिनेमा बहुत बड़ा है, हमें शायद अलग अलग जाना चाहिए। आप जाओ राइट साइड, मैं जाता हूँ लेफ्ट साइड, ठीक है बॉस? चलो चलो चलो, कहाँ पर कुछ है? अरे ये क्या है? एक सेकेंड, अरे ये तो मलिफ के चश्मे। मलिफ भी तो ये जासूसी करने के लिए गई थी। अरे मेरे को चश्मे मिल गए, इसका मतलब इसी के अंदर, इसी थिएटर के अंदर उसने कैद करके रखा है। इससे बात करते हैं। आपको कुछ मिला बॉस? यहाँ पर मलिफ का चश्मा पड़ा था। इसका मतलब वो शत प्रतिशत यही पर है। मेरे हिसाब से इसी के अंदर छुपे हुए हैं, इस स्टूडियो में। मुझे यहाँ से आवाजें आ रही है। चलो यहाँ पर आसपास चाबी ढूंढते हैं। चलो भैया चाबी ढूंढते हैं। लेकिन भाई जरा ये क्या, इसका ये मिल गए कि? लेकिन भाई एक बार इसका थिएटर देख लो भाई। साले का इतना बड़ा थिएटर है, फिर भी मेरे से जल रहा है, क्यों भाई? चलो अभी अपनी बहन को पहले बचाते हैं। बहुत अच्छे बॉस, अब जल्दी चलते अंदर। आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। आओ बच्चे, मैं यहाँ तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले मैं और तुम्हारे दादाजी बहुत पक्के दोस्त थे, जिसके सब लोग मिसालें दिया करते थे। जब मैंने अपनी जॉब खो दी, तब तुम्हारे दादाजी ने मुझे अपने सिनेमा थिएटर में एक छोटा सा काम दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन धीरे धीरे मैं तुम्हारे दादाजी से चलने लगा। एक दिन उन्होंने मुझे अपने सिनेमा की एक नई ब्रांच डालने का चांस दिया और मैं उस ब्रांच का ओनर था। और मैंने क्या किया, मैंने वो सिनेमा थिएटर अपने नाम पे करवा लिया। लेकिन तुम्हारे दादाजी ने कुछ नहीं कहा और उनका सिनेमा अभी तक, आज तक उनका सिनेमा ज़्यादा भीड़ से भरा हुआ है। मेरा सिनेमा क्यों नहीं, मेरा सिनेमा तो तुम्हारे सिनेमा से ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने तुम्हारे दादाजी के खिलाफ षड्यंत्र रचना स्टार्ट किया। मैंने अपने आदमी भेजे और अफवाहें फैला दी, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। तो मैंने अपना एक आदमी उधर एक जासूस की तरह भेज दिया। वो मुझे इन्फॉर्मेशन देता रहता और मैंने ऐसी तरह से तुम्हारे दादाजी का पूरा सिनेमा का बिजनेस ठप कर दिया। तुम्हें वो इतिहास फिर से दोहराना है बच्चे, तो फिर आ जाओ। बाप रे, सबसे पहले तो गेम का एम पूरा बिगड़ गया। मैं जॉयस्टिक घुमा रहा हूँ, मेरा ये भी घूम रहा है। अबे भाई मेरा एम क्यों घूम रहा है जॉयस्टिक के साथ साथ? वो अपना तोक बंदा उधर उन दोनों से लड़ रहा है, ये अलग। भाई सब लोगों को एक पास एनर्जी ड्रिंक है, मेरे पास क्यों नहीं है एनर्जी ड्रिंक? मैं जरा अपनी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ भाई। ओए बच गया। ओ भाई तेरी दायर भी फेंक रहा है।
बच्चे तुम्हें सच में लगा कि तुम जीत गए? मैं तुमसे हमेशा से एक कदम आगे था। तुम्हें सच में लगा कि यहाँ पर सब लोग तुम्हारी मदद करने के लिए हैं? मैंने कहा था संभाल के, कोई भी तुम्हें ट्रैप कर सकता है। सारे बॉस, क्या तूने मेरे को धोखा दिया? जब तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तब मैंने ही अपना ये बंदा तुम्हारे यहाँ पर भिखारी के रूप में उधर खड़ा कर दिया ताकि वो तुम्हारे जासूसी कर सके, लेकिन तुमने उसे अपने साथ काम करने के लिए लगाकर मेरा काम आसान कर दिया। ये सब कुछ मेरा और मियोन का प्लान था। ये क्या बोल रहा है तू? तुम्हें कुछ कहना है भाई? अरे तू इसकी फिक्र क्या करता है, आजा तो हम दोनों मिलके इसको खत्म करते हैं, आजा। अबे कितने बंदे हैं? वो तीन तीन आ रहे हैं, ये चौथा मेरे मुंह पे कुछ फेंके जा रहा है भाई। चलो भैया ये पहले इसको खत्म करो। हाँ अब तू और मैं, तेरे को धोखेबाजी की सजा भी देनी है, तेरी ऐसी की तैसी डंडा खाएगा अब तू, आज मेरे हाथों से तेरे को नहीं बचा पाएगा कोई। ये ले और खा, और भी खा साले, मर मर तेरी ऐसी की तैसी, मर और खा डंडे। साले तेरे को डंडे ही डंडे पड़ेंगे, निकाल इधर से ये, और ले ये भी ले। चलो सबके सब खत्म हो गए। क्या हुआ बुड्ढे, आ गया मजा? तेरी ऐसी की तैसी लात मारेगा, ये ले मुक्का खा ले मेरा 250 किलो का। हाँ तेरे लिए भी अलग से स्वाद रखा, ये ले तेरे एक और मुक्का ले, तू एक और ले। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। आ गया स्वाद, गया। चलो सबसे पहले अपनी सिस्टर को छुड़ाते आए। ओए अरे तू आ गया हबट। ओए सब लोग अपने हाथ ऊपर करो, हैंड्स अप, गेम खत्म, हिलना मत अभी। हाँ तू फिर से, आज तो तुझे लॉकअप में डाल के चैन लूंगा मैं, तेरे को तो नहीं छोड़ने वाला मैं आज। तू फिर से इधर मारा मारी करने आ गया, तू तो गया अभी बारह के भाव। आए, किसको लेके जा रहे हो भैया? ये वो नहीं है, किसको लेके जा रहे हो? किसको पकड़ने के लिए लाया हो? किसको पकड़ रहे हो? मुजरिम को पकड़ो ना, जिसको ऊपर अन्याय हुआ उसको क्यों पकड़ रहे हो? ये नहीं है, ये देख लो, ये जो पड़े हुए ये वो लोग है, इन्होंने इसको किडनैप किया हुआ था और ये इसे बचाने के लिए आया था। पुलिस की कार्यवाही में दखलंदाजी मत करो। रुकिए, मुझे पता था कि आप मेरे भाई पे विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने सब कुछ पहले से रिकॉर्ड करके रखा था, ये लीजिए। क्या ये कैसे मुमकिन हो सकता है? चलो खैर, मदद के लिए शुक्रिया, इस एविडेंस के लिए शुक्रिया, और मैंने जो तुम पर विश्वास नहीं किया था उसके लिए माफ करना, मुझे तुम पर विश्वास कर लेना चाहिए था। The next day. गुड मॉर्निंग, क्यों नींद अच्छी? आखिरकार हमने उसे रोक ही दिया, अब वो हमारे रास्ते में नहीं आएगा। और हाँ तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है सिनेमा थिएटर में, जल्दी चलो, सरप्राइज। तोहफा कैसे लगा? उन्होंने वो पूरा सिनेमा हमारे नाम पे वापस कर दिया क्योंकि वो हमारे दादाजी का था, तो हमने वहां से 3D प्रोजेक्टर लेके आ गए हमारे यहाँ पर, और हबट ने ये पूरा का पूरा डिजाइन बना दिया, इधर हबट ने पूरा थिएटर बना दिया। चलो अब हमारे पास एक 3D ये भी होगा, 3D मूवी थिएटर भी होगा। आप ही की तरह बहुत प्यारा थिएटर है। ओ हाँ, अब उस स्टॉक की वजह से हमें हमारा एक एम्प्लॉय खोना पड़ा, लेकिन कोई नहीं, अब जब तक हमारे पास कोई नया एम्प्लॉय नहीं आता तब तक मैं ही वो पूरा काउंटर देखभाल किया करूंगी। ओ हाँ गुड आइडिया, मुझे भी यहाँ पर काम दे दो ताकि मैं भी थोड़ा इनके करीब रह सकूं। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं भाया, जरा कम बोल ले। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ज्यादा सीरियसली मतलब यार। वैसे तुम वहाँ पर पुलिस लेके पहुँचे कैसे? तुम्हें कैसे पता कि मैं वहाँ पर ही होंगी और ये भी उधर ही आएगा? असल में मुझे इस टॉक पे तभी शक हुआ कि जब इसको पहले से पता चलेगा कि कब मिलीप किडनैप हुई। पहला लेटर आने से पहले इसको पता था कि मिलीप किडनैप हो गई, तभी मेरे को इस पे शक हो गया था, इसलिए मैंने इसका थोड़ा पीछा किया और पुलिस को लेके तुम्हारे पीछे पीछे में चला आया। बहुत समझदारी का काम किया भाई तुमने, वाह हाँ बट तुम तो बहुत स्मार्ट हो यार। हाँ सच में शुक्रिया भाई।
अरे आपके लिए कुछ भी। तो अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब जब भी कभी जरूरत पड़े फोन कर देना, मैं इधर ही हूँ। इतना सब कुछ झेलने के बाद आखिरकार हमने हमारे दादाजी की मान प्रतिष्ठा वापस से लाई दी। हमारा सिनेमा थिएटर अब पहले जैसे बहुत से बड़ा सिनेमा थिएटर हो चुका है, अब तो हमारे पास 3D सिनेमा भी है। उम्मीद है वो हमें देख के खुश हो रहे होंगे। तो आखिरकार हमने ये सीरीज कंप्लीट करी दी। फाइनली हमारा थिएटर अब पहले जैसे चलने लग गया और हमें अभी कोई भी तकलीफ देने के लिए नहीं है। तो अगर आपको ये पूरी सीरीज़ अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो इसके बाद वीडियो ख़त्म होने के बाद प्लेलिस्ट दे दूंगा, जाके देख लेना यार। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर ज़रूर कर देना यार, अलग अलग गेम्स ट्राई करते रहते अपन। तो मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।